1100. हाय एवरीवन, कॉल मी अवान जॉइन. अब्दुल्ला बेटा सो जाओ, समझ आ रही है, रात हो रही है, ठीक है, उठने की ज़रूरत नहीं है. अब्दुल्ला वो खाला का बेटा, दुआ फातिमा ने ज्वाइन की है. दुआ ये कौन सा वक्त है जागने का, चलो फौरन सो जाओ. मदीहा बाय. नहीं करें, बैक लाइट ऑन है. वो बॉटल एहसान, आवाज सही नहीं आ रही. इधर इधर अब सही है. ये हम जो है हाय आपी, दुआ किधर जा रही हो यार? बस दुआ, मैंने सोचा कि मैं अब निकल जाऊं कहीं ना, वहीं जा रही हूँ. रुखसत हो गई. आप बोल रहे हैं रुखसत हो गई है. लाइट ऑन करो. अरे भाई ये यहाँ पे लाइट है नहीं तो ऑन कहाँ से करूँ? वेयर आर यू गोइंग यार? ये प्लेन में लाइट नहीं चलती. ये जो प्लेन है ना, ये स्पेशल प्लेन है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ रहती हैं. आप ही क्या हाल हैं? अबीरा, मदिया, एहसन भाई किधर है? आपके एहसन भाई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जोर से बोले. सो रहे हैं, नींद नहीं कर रहे हैं. सोने की बेकार कोशिश कर रहे हैं. जुकाम हो गया मुझे. एहसन की आवाज़ सुनाओ. कायत 19 कह रही है, एहसन की आवाज़ सुनाओ. ये ट्रेन नहीं है. एहसन आपसे इतने डरते क्यों हैं? अवानू 1986, ये आपकी गलत फहमी है. फैनी बोले एहसन मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि मैं एहसन से डरती हूँ. मैं इधर करूँ, मैं बोलना चाहता हूँ. हाँ, जो भी आप हैं उनसे डरता नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. सुन लिया, ये सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनसे डरती हूँ. मानो फातिमा, से माय नेम. चुप हो जाए, आप मैं नाराज ना होगी. वरना किधर की तैयारी? वो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, नाइजीरिया जा रहे हैं. आई एम सपोर्टिंग यू गाइज फ्रॉम अमेरिका. थैंक यू, प्लीज गिव माई नेम. सुकून मत. सुकून तो आ रहा है. आप ही आपका बहुत प्यारा कबल है माशाल्लाह. थैंक यू गर्ल मामा, मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, आई लव यू बोथ. प्लीज 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 प्लीज, नबिया खान ने आगे कुछ लिखा ही नहीं है. एहसन भी मैच जीत गए आप लोग. एहसन इकरा अब्बासी 8309 पूछ रही है, मैच जीत गए आप लोग? प्लीज जवाब दिएगा. पहले मैच में हार के बाहर हो गए. सुन लिया आपने, नाराज मत होना सिस्टर. नहीं नहीं, वो तो छोटी मोटी हमारी नोक झोंक चलती रहती है इनके बगैर. असल में अगर मैं अब रह भी तो नहीं सकती ना. कहाँ जा रही हैं हम लोग? अमेरिका जा रहे हैं हम लोग. देखे ना आप लोग, फुल अमेरिका जाने का माहौल नहीं लग रहा आपको? एहसन मेरे फेवरेट हैं, आयशा कह रही हैं. भाई एहसन तो है ही हीरो, सबके फेवरेट हैं, वो किसके फेवरेट नहीं है. माशाल्लाह. किस पे हैं? बस में है क्या? नहीं, हम लोग प्राइवेट. नहीं करें ना. दुआ नूर, मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, थैंक यू, वर्ल्ड बेस्ट कपल. कॉल मी अवान. हाँ बेटा, अमेरिका जा रहे हैं, सो जाओ जल्दी से फटाफट, वरना अभी खालू को कॉल करती हूँ. किरण भट, आपके मैसेज मुझे नहीं मिले. कोई आया? अच्छा, मुझे ऐसा लगा. इकरा एस सोमरो, एमजे ऐसा नहीं पसंद. मायरा तो आपको कौन कह रहा है, उनको देखें, आप अपना मुंह देखें, हमें वो नहीं पसंद. अभी हमारा यहाँ पे यार ये खालू वाला सीन गलत है. हाँ तो बेटा सो जाओ ना.
अभी यहाँ पे हम सिंगिंग का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरी टीम है जो कि जर्मनी से आई हुई है, और बहुत मज़े मज़े के गाने गाएंगे, तो मैं लाइव में आप सबको दिखाऊंगी। क्या हो गया सच कह रही हूँ। ज़ारा अंडरस्कोर वसीम 09 कह रही है, एहसन मैं प्यार करती तुमसे, और मैं इनको कहूँगी कि मैं नहीं चढ़ती। अच्छी बात है यार, मेरे हस्बैंड हैं ही प्यारे, सब उनको प्यार करते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि वो है मेरे ना, तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते। जो जो कमेंट्स कर रही हैं ना लड़कियाँ, मैं प्यार करती हूँ एहसन से, तो यार मैं क्या करूँ, करते रहो। एहसन तो मुझसे प्यार करते हैं ना, एक्चुअली बात ये है, आप लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं आपके पीछे। चलें ओके बाय। अभी यहाँ पे जब लाइव सेशन स्टार्ट सिंगिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि अभी सिंगिंग तबले बजेंगे। अभी सिंगिंग सेशन ना हो नहीं सकता क्योंकि अम्मी सो रही हैं, तो इसलिए चप्पलों से सिंगिंग करवाएंगे, जूते मार मार के। हाँ हाँ गुड, आप ही अच्छा जवाब दिया सबको, है ना, लाइट्स ऑन कर लें यार, नहीं कर सकती ना। यार आपने जो वलीमा का ना लुक वीडियो अपलोड किया ना, वो बहुत अजीब है। हाँ कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आई है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी मेकअप करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा फेस ऐसा लगता है बड़ा तो बड़ा सा। वो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको जवाब दे रही हूँ। और दूसरी बात, हेयर स्टाइलिंग मेरे अकॉर्डिंगली, अगर कोई मुझसे पूछे यार हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो आपके अपने बाल हैं ना, आप उन्हीं के ऊपर या तो हेयर स्टाइलिंग करवाओ, लेकिन या थोड़ी सी अगर आपको ऐड करना है, वेग ऐड करनी है, तो लाइट सी करो, सॉफ्ट लुक करो, चाहे वो आपकी बारात हो, चाहे वो आपका वलीमा हो। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें मेरा सॉफ्ट लुक हो, तो डोंट वरी, अपनी बारात पे इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरा सॉफ्ट लुक हो, वलीमे पे भी सॉफ्ट लुक हो। मुझे खुद भी बहुत लाइट लाइट सा, थैंक यू, पसंद है मेकअप। चांद आ गया यार, सेम माय नेम, कहाँ है चांद, ये लाइट आई थी चांद, डॉक्टर डॉट मदीहा, ये तो घर की खिड़की आ रही है, वो देखो पंखे नजर आ रहे हैं, मस्जिद है शायद यार सर। ओके गाइस बाय, एक और लुक के साथ आऊंगी मैं। वैसे अगर आप लोगों को वहां से मेकअप करवाना है सफायर सैलून से, तो वो अच्छा मेकअप करते हैं, और प्लस आपकी, हाँ सफ़ायर या ज़किया रुकैया सलोन, ज़किया रुकैया दोनों सेम ही है ना, तो वो आपकी मर्ज़ी का ही मेकअप करके देंगे, सॉफ्ट लाइट और जिस तरह की भी आप हेयर स्टाइलिंग चाहते हो वो बन जाएगी। ओके बाय। इस वक्त मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और पीछे से मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीर अंडरस्कोर मलिक, थैंक यू सो मच। यार फिर कोई पूछने लग जाता है, मिस्टर ऑसम डीपीटी की फील्ड का बताएं, क्या बताऊँ डीपीटी की फील्ड का, ये बताऊँ कि डीपीटी 5 साल का होता है, उसके बाद आपको 1 साल की हाउस जॉब करनी पड़ती है, टोटल वो 6 साल का हो जाता है, और 6 साल के बाद, हाँ एंड कर रही हूँ, और 6 साल के बाद आपको फिर कहीं जॉब करनी पड़ती है 2 से 3 दिन तक। एसएन स्टेशन आ गया, अब उतरते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं, आ जाएँ कॉफ़ी पीने वाले। तो ये सारा सीन होता है, बाकी का सीन मैं बता दूँगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाद हाँ एंड कर रही हूँ, और 6 साल के बाद आपको फिर कहीं जॉब करनी पड़ती है 2 से 3 दिन तक। एसएन स्टेशन आ गया, अब उतरते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं, आ जाएं कॉफ़ी पीने वाले। तो ये सारा सीन होता है, बाकी का सीन मैं बता दूँगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।